पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे रुलाता है, ये हर्ट माय फीलिंग्स। उसको पता है ऐसी बात करने से मैं हर्ट हो जाऊंगी, फिर भी वो मुझे बोला क्या उसने? हाँ, क्या बोलेगा वो मुझे? प्राची के अलावा उसे कुछ पूछना है क्या? नहीं, जब देखो प्राची प्राची प्राची, यू नो व्हाट ही सेड, कह रहा था कि प्राची उसकी है। प्राची से वो प्यार करता है और भले ही किसी के साथ एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, जान डजंट केयर। मुझे हम सच फूल बूझी, मुझे लग रहा था कि प्राची और सिड की एंगेजमेंट के बाद रणवीर प्राची को भूल जाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सब कुछ उल्टा हो गया। उसकी फीलिंग्स प्राची के लिए और भी स्ट्रांग होती जा रही है। जितना दूर वो प्राची रणवीर से होती जा रही है, रणवीर के फीलिंग्स उतने ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मैं बात करूंगी। इट्स ओके बूझी, फॉरगेट इट, कोई फायदा नहीं है। मेरी किस्मत ही ऐसी है, एक दिन खुशी मिलती है और दूसरे दिन सब पैसे का वैसा। कल तक क्या क्या सपने देख रही थी मैं बूझी, और अब मुझे अपनी पूरी लाइफ ना अंधेरे में नजर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है रिया। ऐसा ही है बूझी, ऐसा ही है। देखो ना, कल तक हम कितना एंजॉय कर रहे थे, वी वर सो हैप्पी, वी वर हैविंग अ ड्रिंक, और आज देखो यहाँ सड़क के बीचों बीच में रो रही हूँ क्योंकि मैं सड़क पे आ गई हूँ। एग्जैक्टली रिया, लेकिन उससे तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि रणवीर ने मुझे यहाँ छोड़ा है, उसने कहा कि मैं गाड़ी से यहाँ उतर जाऊँ। क्या हो गया इस लड़के को? मैनर्स कहाँ है इस लड़के के? तुम्हें रास्ते में उतारना ही था तो टैक्सी करके घर भेज देता यार। मुझे ही डिड दैट। गाड़ी से उतारने के बाद उसने टैक्सी करवाई थी, लेकिन मुझे टैक्सी नहीं चाहिए, मुझे टैक्सी नहीं, मुझे रणवीर चाहिए, रणवीर। जब वो मुझे गाड़ी से उतार रहा था ना, ऐसे लग रहा था वो मुझे गाड़ी से नहीं, अपनी लाइफ से निकाल रहा है मुझे। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर, सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरी फेक प्रेगनेंसी के बाद रणवीर और मैं और करीब आ जाएंगे, वो प्राची को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब भी उस प्राची से प्यार करता है, प्राची 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 24/7 प्राची। अब तो मुझे लग रहा है दुनिया की कोई भी चीज रणवीर को मेरे पास नहीं ला सकती। ये सब शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपनी प्रेगनेंसी का फायदा ही नहीं उठा रही हो रिया। व्हाट डू यू मीन? अरे तुम रणवीर की नजरों में प्रेग्नेंट हो, लेकिन कहीं से भी तुम प्रेग्नेंट लग नहीं रही हो। झूठ सिर्फ बोलने से नहीं, झूठ दिखना भी चाहिए रिया। आई मीन लुक एट यू, थोड़ा सा पेट दिखाओ अपना, चक्कर खाओ, बीमार लगो, तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, फिर पूरी फैमिली तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। पूरी फैमिली को तुम्हारी केयर करता देख रणवीर आकर गिल्ट तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे ऐसा होगा क्या? अभी तुम्हारा पेट दिख रहा होता ना, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारी केयर कर रहे होते, तुम्हारी हेल्प कर रहे होते। रणवीर तो फिर भी फैमिली। आई गेट इट, झूठ सुनाना ही नहीं, झूठ दिखाना भी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।